तो भाई लोग कैरिबियन प्रीमियर लीग 2023 का जो मैच नंबर 9 है ना, इस मैच में सेंट लूसिया किंग्स के सामने होगा त्रिनबागो नाइट राइडर्स। सेंट लूसिया किंग्स की बात करें, इन्होंने चार मैच खेला, चार में से एक जीता एक हारे, दो मैच नो रिजल्ट रहे, इनके चार पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे सेंट लूसिया किंग्स की बात करें तो आधे अधूरे मैच हो रहे हैं, 22 की वजह से पूरे मैच ना हो पाए। लेकिन त्रिनबागो नाइट राइडर्स की बात करें तो एक ही मैच खेला और वो मैच 22 की वजह से हो ना पाया। तो दोनों टीमें दुआ करेंगी कि मैच पूरा हो, बारिश ना हो, और पूरा होने के साथ साथ दोनों टीमें जीत की कोशिश भी करेंगी। लेकिन आपको पता है कोई एक जीतेगा एक हारेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा बस यही तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये देखते हैं जब ये दोनों टीमें हेड टू हेड इससे पहले आमने सामने आई हैं तब कौन सी टीम किस पे पड़ी है भारी। तो अभी तक इनके बीच में 20 मैच खेले गए जिसमें से सेंट लूसिया किंग्स ने 5 मैच जीता और 15 मैच जीता त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने। यानी त्रिनबागो नाइट राइडर्स की जो टीम है ना जबरदस्त परफॉर्मेंस करती है किसके, सेंट लूसिया किंग्स के ऊपर। वार्नर पार्क में इससे पहले इनके बीच में 5 मैच खेला गया, 2 मैच जीता सेंट लूसिया किंग्स ने, 3 मैच जीता त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने। तो वार्नर पार्क में भी बिल्कुल थोड़ा सा त्रिनबागो नाइट राइडर्स आगे किससे, सेंट लूसिया किंग्स से। सीपीएल 2022 पिछले सीजन जो इनके बीच में 2 मैच खेला गया, दोनों टीमों ने एक एक मैच अपने नाम पे किया। यानी पिछले सीजन इनके बीच में जो लड़ाई रही थी वो तो बराबरी की रही थी। अगस्त के महीने में इनके बीच में 10 मैच खेला गया जिसमें से एक मैच जीता सेंट लूसिया ने और 9 मैच जीता टीकेआर त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने। यानी जो अगस्त महीने में टीकेआर का लक होता है सेंट लूसिया किंग्स के सामने जबरदस्त होता है। सैटरडे के दिन के बीच में 3 मैच खेला गया, 3 के तीनों मैच टीकेआर त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने अपने नाम पे किया। यानी सैटरडे के दिन जो सनी होता त्रिनबागो नाइट राइडर्स का वो सेंट लूसिया किंग्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो सेंट लूसिया किंग्स ने 3 मैच जीता और त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने जीते 2। तो अगर हम यहां पे देखें तो ओवरऑल रिकॉर्ड में हर जगह जो त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम है ना वो सेंट लूसिया किंग्स से बेहतर नजर आ रही है। लेकिन लास्ट के 5 मुकाबलों में कुछ वापसी करी है किसने, सेंट लूसिया किंग्स ने। तभी तो लास्ट के 5 मुकाबलों में 3 मैच जीता बस 2 मैच हारे। तो दोस्तों क्या सेंट लूसिया किंग्स फिर से अपनी वापसी बरकरार रखेगा, फिर से करेगा पलटवार, फिर से लेगा पिछली हारों का बदला त्रिनबागो नाइट राइडर्स के ऊपर, या भाई लोग त्रिनबागो नाइट राइडर्स बोलेगा भैया फिर से हम ना दमखम दिखाने वाले तुम्हारे सामने, फिर से करने वाले हैं हर मैदान फतेह। चलो जानते हैं, बस उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको पता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, और आपको ये भी पता है मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी नहीं हूं, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें। करना क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में चाहे तो ना अपने भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपको पता ना सीपीएल के अलावा एशिया कप स्टार्ट होने वाला है, साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन करें, बस फेक से बचें क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग जो मैच है सैटरडे 26 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा वार्नर पार्क बेस्टेक सेंट किट्स में। पिच रिपोर्ट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि जो मैच नंबर 7-8 है ना वो भी इसी मैदान पे खेला जाएगा, और मैच नंबर 7 की वीडियो में मैंने पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता रखा है A to Z। तो जिन लोगों ने देखी होगी उनको पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ पता होगा। अगर आप पिच रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी फुल जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो मैच नंबर 7 की वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब ये जानते हैं यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और जीत का झंडा गाड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट लूसिया किंग्स की। हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें, फाफ डू प्लेसिस कमाल के बल्लेबाज है, जॉनसन चार्लिस की बात करें ये भी काफी ज्यादा गजब की फॉर्म में, तो इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है परफेक्ट है। सैडरेक डिस्कार्ट की बात करें तो नया लड़का है लेकिन काफी ज्यादा टैलेंट है, तभी इनको टीम में खिलाया, बाकी सीन विलियम्स एंड सिकंदर रजा की बात करें तो जिम्बाब्वे की जान है जो हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करके देते हैं, अभी सेंट लूसिया किंग्स को ये किंग्स बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि दोनों काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पे काफी बढ़िया गेंदबाजी करके देते हैं, खास करके सिकंदर रजा। बाकी अगर हम यहां पे रोस्टन चेस की बात करें तो सीपीएल में हमेशा बढ़िया परफॉर्म करके देते, चाहे बल्ले से बात कर लो या फिर गेंद से बात कर लो। रोशन प्रीमस की बात करें तो रोशन प्रीमस ने अभी तक जो भी मैच खेले गए जब जब इनको बल्लेबाजी का नंबर आया तो बढ़िया बल्लेबाजी करके दी है। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो आप सबको पता ना अलजारी जोसेफ कमाल के गेंदबाज हैं जिनके सामने अच्छे अच्छे भी न टिक पाते। क्रिस सोल की बात करें तो क्रिस सोल भी बहुत तगड़ी गेंदबाजी करें। जेयर मैक एलिस्टर की बात करें तो ये भी तगड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी खैरी पैरी की बात करें तो खैरी पैरी भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। बाकी जरूरत पड़ने पर रोस्टन चेस और सिकंदर रजा जैसे इनके पास गेंदबाज है जो बढ़िया गेंदबाजी करके देते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सेंट लूसिया किंग्स की टीम है ना वो ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त खतरनाक नहीं कहेंगे। वहीं दोस्तों त्रिनबागो नाइट राइडर्स की बात करें तो इनकी टीम तो भाई साहब काफी ज्यादा
जबरदस्त है। मार्टिन गुप्टिल और मार्क डेल ओपन करने आते हैं। मार्टिन गुप्टिल की बात करें तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, T20 के कमाल के बल्लेबाज भी हैं। मार्क डेल को जब जब मौका मिला बढ़िया परफॉर्मेंस करके इन्होंने दी है। चैडविक वॉल्टन ने हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करके दी है, CPL में हमेशा रन बनाते हैं। निकोलस पुरन की बात करें तो आप सबको पता है ना, गजब की फॉर्म में। कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी टीम हो, कोई भी मैदान हो, इनको फर्क न पड़ता, बस ये अपने धुन में चलते जाते हैं। कायलन पोलार्ड की बात करें तो T20 में ना इनके जैसे बल्लेबाज तो होते नहीं है, पैदा भी नहीं होते। सेम कहानी है आंड्रे रसल की। आंड्रे रसल और कायलन पोलार्ड अगर ये चले तो मैच को हमेशा एक तरफा कर देते। सुनील नारायण की बात करें तो वो इनको भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं, बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। आप सबको पता है ना, सुनील नारायण भी वन मैन आर्मी की तरह ही है। अकील हुसैन की बात करें तो अकील हुसैन भी T20 में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सबसे बड़ी बात, इनके सामने रन बनाना मुश्किल होता है, विकेट भी निकाल के जाते हैं। ये न्यू बॉल से भी गेंदबाजी कर देते हैं, मिडिल में भी गेंदबाजी करके देते हैं और जरूरत पड़ने पर ये भी थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर देते हैं। जैडन सिलेस की बात करते, इन्होंने भी काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, जब जब मौका मिले चाहे वेस्ट इंडीज के टीम में या CPL में बढ़िया गेंदबाजी करके दी है। कदीम एलियान की बात करते, कदीम एलियान भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन बड़े मंच पे उतने ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि अभी तिनमाको नाइट राइडर्स के जो बाहर के प्लेयर हैं जैसे कि नूर अहमद वो आए नहीं है, तो अभी इन सबसे काम चलाना पड़ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो तिनमाको नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी भाई साहब एक नंबर, गेंदबाजी की बात करते जबरदस्त, और ऑलराउंडर होने की वजह से ना इनकी 9 नंबर तक का बल्लेबाजी है और 7-8 गेंदबाजी ऑप्शन बनते हैं। भैया ऐसी टीम ना सपनों में देखने की मिलती है। तो तिनमाको नाइट राइडर्स की जो टीम है वो इतनी खतरनाक टीम है ना, तो हम कह सकते हैं ये सपनों की टीम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कंपैरिजन करें दोनों टीमों के हिसाब से तो तिनमाको नाइट राइडर्स बहुत ही ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, किससे? सेंट लूसिया किंग्स से। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ा के ले जाएगी, चलो जानते हैं। बस उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। आपको यह भी पता है मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी नहीं हूं, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें। करना क्या है भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भाई लोग अगर हम यहां पे देखें जो तिनमाको नाइट राइडर्स की टीम है सेंट लूसिया से बेहतर नजर आ रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बात करते यहां पे भी जो तिनमाको नाइट राइडर्स की टीम है ना, इसका जो पलड़ा है बहुत ही ज्यादा भारी है, किससे? सेंट लूसिया किंग्स के सामने। तो इस हिसाब से जो मैच है ना वो 35-65 का, 35 सेंट लूसिया किंग्स एंड 65 तिनमाको नाइट राइडर्स। तो अगर आप यहां पे चाहें जो मजबूत टीम है तिनमाको नाइट राइडर्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मैच है सेंट लूसिया किंग्स अपने नाम पे कर सकता है। देखो भाई लोग इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो मैच है ना सेंट लूसिया किंग्स अपने नाम पे कर सकता है। बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। CPL के अलावा एशिया कप स्टार्ट होने वाला है, साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इन सभी मैचों की जो जबरदस्त प्रेडिक्शन है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन करें, बस फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया गया, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक के मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक के मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।